नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। खंडवा में भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम मशीनों की चौकीदारी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने यहां पर पुलिस के अलावा सशस्त्र बल के जवानों की ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को किसी पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा सत्ता की लोभी है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं भाजपा का कहना है कि ईवीएम मशीनों की चौकीदारी अब परंपरा बन गई है, इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता यहां ईवीएम मशीनों की निगरानी करते हैं। खंडवा जिला मुख्यालय पर मांधाता विधानसभा उपचुनाव की ईवीएम मशीन रखी हुई है। शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को मतगणना स्थल बनाया गया है, यही 10 नवंबर को मतगणना होगी, इसीलिए मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां ईवीएम मशीनों को रखा गया है। इन मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। स्ट्रांग रूम तक किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है। स्ट्रांग रूम के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रजिस्टर किया जाता है। स्ट्रांग रूम के बाहर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता 24 घंटे ईवीएम मशीनों की चौकीदारी कर रहे हैं। यह लोग अपनी शिफ्टों में आते हैं, खासकर रात में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए यह लोग अपने घर से बिस्तर लेकर आते हैं। ठंड को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े और कंबल साथ लेकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला प्रशासन पर तो भरोसा है, लेकिन स्ट्रांग रूम की चौकीदारी अब राजनीतिक दलों की परंपरा बन गई है, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही संविधान को छलनी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता की लोभी हो गई है और सत्ता पाने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ईवीएम मशीनों की चौकीदारी करना अनिवार्य हो गया है। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में संविधान को छलनी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके बाद तो किसी भी तरह का भरोसा किसी भी चीज़ पर करना हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफदेह हो गया, कष्टदायक हो गया है। प्रशासन के लोगों पर और जो भी यहाँ पर जवान है पुलिस के, उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ ईवीएम का ध्यान रख रहे हैं, मशीन का ध्यान रख रहे हैं, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सत्ता और सरकार में बैठी हुई सरकार जो है वो इतनी ज़्यादा सत्ता के लोभी हो चुके हैं कि वो कब क्या करेंगे, इसका कोई निर्धारण, इसका कोई आघात नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत जो हम लोग कर सकते हैं, अपनी पार्टी के कुछ लोग हमने छोड़ रखे हैं, और ऐसी कोई व्यवस्था ना बने, ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर निरंतर तत्पर हैं। 24 घंटे जिस प्रकार वहाँ के सेना के जवान निगरानी रखे हुए, उसी प्रकार मुस्तैदी के साथ हमारी भाजपा के कार्यकर्ता भी पूरी तरह 24 घंटे यहाँ बैठकर 10 तारीख तक, जब तक कि मतगणना जब तक नहीं हो जाती, जब तक पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ लगे रहेंगे। पहले ही बताया कि जिला प्रशासन पे और शासन की हर चीज़ों पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम ऐसा लगता है कि भाई एक जो परंपरा है, क्योंकि बहुत मेहनत कार्यकर्ता करते हैं चुनाव में, क्या तो उसको वो दृष्टि नहीं रखें कि आपकी जिला प्रशासन मेहनत करे। जिला प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन पर पूरा विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को हम लगा देते हैं 24 घंटे ड्यूटी देने के लिए।